सामने से बर्फ भी थोड़ी सी नजर आ रही है। नहीं झूठ झूठ कोई नहीं अंकल, मिल जाएगी आज, हमें पूरी उम्मीद है। मैं कह रही नहीं अंकल, वो तो कुछ लोगों को वैसे ही मैं देख के लग जानी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। आज हम जी जा रहे हैं नथिया गली। नथिया गली उम्मीद है कि वहाँ पे हमें बर्फ मिल जाए, जो हम देखने आए थे वो मिल जाए। बर्फ़ देखने का इरादा है। हमारी एक मरीजा मैडम बीमार है, इनके दांत में दर्द है ना, और उसकी दोस्त ये खड़ी है। क्या इसकी क्या है? इसकी दोस्त मैं कहीं ये खड़ी है। हाँ इसकी दोस्त ये खड़ी है जिसने इसके दांत पे अच्छा खासा वो दिया। मेरे बच्चे सच्चे फुल टाइम कवर होके बैठे हैं क्योंकि उधर बहुत ठंड होती है। इनको डबल ट्रिपल बल्कि ट्रिपल से भी ज़्यादा कपड़े पहनाए हुए हैं अंदर मैंने। जो आप गया की गाड़ी में बैठो, डबल से भी ज़्यादा कपड़े शपड़े बनाए हुए हैं। आप सब रेडी है? रिमल मामा के पास सामान भी होता है कुछ, चली जाए करो मामू के साथ। अन्ना को रास्ते से मेडिसिन लेके देंगे ताकि मेडिसिन खा के थोड़ा सा उसका दर्द बेहतर हो और फिर वो इंजॉय कर सके। अन्ना उम्मीद है आप इंशाल्लाह रास्ते रास्ते में आप ठीक हो जाएंगी और वहाँ पर आप फुल टाइम इंजॉय कर सकेंगी इंशाल्लाह। भी आवाज़ भी निकल गई बेचारेगी। तो जी बैग शैक्स पैक है और निकलते हैं बस नथिया गली के लिए। बच्चे मेरे आगे आगे और मैं पीछे पीछे। इस वक्त मौसम भी बड़ा मज़ेदार सा हुआ है। सामने वाले पहाड़ों पे सही कुछ सामने से बर्फ़ भी थोड़ी सी नज़र आ रही है। नहीं झूठ झूठ कोई नहीं अंकल, मिल जाएगी आज, हमें पूरी उम्मीद है। अगर हमें यहाँ पे ये माल रोड कह रहे हैं घड़ियाल कैम मिल सकते हैं ना, तो इंशाल्लाह नथिया गली का ख्याल अच्छा जाके देख लेती। नहीं नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगी। वो देखे ना सामने पड़ी हुई है इतनी ज्यादा फ्रिज की बर्फ पड़ी हुई है। मुझे लगता है बर्फ बारी हो रही है नथिया गली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आगे नारायण चले जाएंगे बर्फ के लिए, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। हाँ जी चलो अम्मा की जान चले। अन्ना एक बच्चे का हाथ पकड़ लो, तुम बाद में स्ट्रीक्स बना लेना। वैसे वाकई में यार सामने वाले पहाड़ों का व्यू देख के सही मज़ा आ रहा है। आज अंकल की अपॉइंटमेंट थी जो कि कैंसिल हो गई, जिस वजह से हमारा कैंसिल नहीं हुई। लैबोरेटरी वाले मेरा मेडिकल आगे नहीं भेजा, अब मेरी मंडे को अपॉइंटमेंट है। मंडे को तो हमारा टूर जो कि संडे तक था वो मंडे तक हो गया क्योंकि मंडे को अंकल की अपॉइंटमेंट है, वो करवा के फिर इंशाल्लाह हमारा इरादा है वहीं से जाएंगे घर लाहौर की तरफ। तो फिलहाल एक दिन एक्सटेंड हो गया, तो आज हमने सोचा दिन ज़ाया ना करें, तो अगर अंकल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो हम चलते हैं नथिया गली। उम्मीद करते हैं बार बार कि हम शोधे लोग बर्फ़ देखने आए, बर्फ़ नज़र आ जाए, क्योंकि हमारे अम्मा अब हमें बनी नहीं लेके आते बर्फ़ वाले दिनों में। वो कहते हैं फजूल है, सर्दी छोड़ के सर्दी में जाना क्या बेवकूफ़ों वाले काम है, लेकिन हमें बर्फ़ देखने का शौक है तो हम बर्फ़ देखेंगे आज इंशाल्लाह। तो जी गाड़ी हमारी आ गई है, अब हम बैठते हैं और चलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह घर से पहुँचते हैं नथिया गली। हमारी मरीजा के लिए मेडिसिन ले ली है ना पानी से। हाँ जी पहली बार तो इतना क्यूट लगा। रिमल को खा जा। रिमल देखा है? बंद रिमल की तस्वीर देखे था। इसके आगे रिमल छोटा जैसा है। बंद रिमल क्या है? रिमल क्या है? क्या इतने देखो को तो देखो देखो मैं ना डर गई। पेपर है पेपर उनके दो बैठे हो बेचारे तो सदमे च गए हैं। ये कोई ठंडी नहीं लगती।
बेचारे सुगड़े पड़े हैं। A few moments later. फाइनली हम लोग भी इधर बर्फ देख के पागल हो गए। ओए चटके चटके ठंड लगी मेरे बेबी को। अब आपको दिखाते हैं यहाँ से व्यू। नाक लाल, नाक भी लाल। दीवा से एंजॉय करिए, मजा आ रहा है। इब्राहिम बाबा से आ रहा है, उसकी शक्ल ही हुई भी है। क्या क्या मसला है? मुंकल ने भालू बनाया। हाँ भालू बनाया, क्या पिक्चर्स लेने के लिए ना भालू। यार मैं तो एक दो मेरी भी पिक्चर ले लो अच्छी वाली। ये लोग बर्फ उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गोले बना के एक दूसरे को मारने के। जमी हुई है बर्फ यहाँ पे। और हमारा फोटो शूट तकरीबन हो गया, फोटो शूट हमने कर लिया। इब्राहिम का मूड बिल्कुल भी नहीं ठीक, उसे ज़रा नहीं मज़ा आ रहा कि क्या है ये। इब्राहिम मूड आपका ठीक नहीं है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा? इब्राहिम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे वो खुल के चल नहीं पा रहा। मार दो मार दो। अंकल कहते समीर उधर ना जाओ, मन के समीर उधर ही जाओ। अब फोटो शूट हो गया, अब सारे जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। मेरा फोन है मेरे पास है, मुझे दे दे। क्यों पॉकेट में है? और उसमें की ये क्या चाहता, क्यों पॉकेट में है? आ जाओ आ जाओ उधर जाके ले लेंगे। बहुत ठंडा और फिसल भी बहुत है। घोड़े की तो ईमान सबसे पहले पहुंची है, हम भी जाते हैं। जीमन जीमन को हमने अंकल के पास छोड़ा, आज हम फ्री हैं अंकल, आज हम अपने बच्चों का बच्चे नहीं देखेंगे, आज आज बच्चों की भी टेंशन नहीं लेनी। ओ, ओ, ओ। चार्ट बनाना, बीच में पिक्चर ले ली। माँ तू मेरी वीडियो ना, मैं यहाँ के भी अपनी ड्यूटी दे रही हूँ। मेरे बच्चे को आते ही भूख लग गई है, सो स्वीट, उसे भूख लग गई है। ये जीवन अंकल के साथ खेल लिया। नहीं आई। खैर पीछे से बात करती हो, हिम्मत है तो सामने आओ। ये लो कहा करो यार, सामने से भी नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हूँ, कैमरा तो सीधा क्या था लाइक। ये देखिए याद होता है जब किसी को सताओ तो ऐसे आग लग जाते हैं। ये इधर आ, ये देख यार कितना
कपड़ों में जा रही है, तू मार रही है मुझे। रो रो रहे बैठ के। मान किसी को कह के तेरे ऊपर बर्फ फेंक, वरना मेरे ऊपर बड़ा फेंक। ये देखो अपने स्लिप हो जाना, पानी बर्फ फेंकने लगी है। ऐसे अंकल मुझे भी ऐसे बर्फ चाहिए मेरे ऊपर फेंक के। चल सभी तस्वीर ले। इधर आ। चलो थैंक यू। मेरा बच्चा मैंने खेला। मेरा बच्चा मुझे तंग कर रहा है। चल सभी जल्दी बर्फ करा मेरे। ये पिक्चर देखकर ये तो मेरी भी एक अच्छी ले ले, तेरे कैमरे में ज्यादा अच्छी आ रही है। पकड़ी इसको, दो मिनट पकड़ ले, सिर्फ एक फोटो ले निराल में। जिमल ध्यान से रुको, मैं नजर आ रही। आ गई भाई, आ गई। हाँ वैसे पहले से स्पीड हुई है। तो जी हमें जाना पड़ रहा है गाड़ी में, क्योंकि इब्राहिम को लग रही है ठंड और इब्राहिम रो रहा है, इसलिए उसे गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा। जैसा कि आपको बताया है, मैं बच्चों के साथ आ गई हूँ गाड़ी में वापस, क्योंकि मेरे बच्चों ने सही मुझे तंग किया हुआ था। इन्होंने मुझे ज़्यादा खेलने ही नहीं दिया, बाकी सब अभी उधर ही गया। हम गाड़ी में बैठेंगे, मेरे बच्चों को ठंड नहीं लग रही, बस वैसे दिमाग की ख़राबी है इब्राहिम साहब की। जिमल तो खुश थी, खेल रही थी, पर इब्राहिम ने बहुत तंग किया हुआ। Two hours later. इतना बड़ा हार्ट। ओहो, मेरा दिल बहुत बड़ा है। जिमल क्या कर रही है? आप खेल रही हो? आप क्या खेल रही हो? मैं सबके साथ खेल रही हूं। आप छुप के साथ खेल रही हो? ये स्नो के साथ खेल रही है। आप स्नोमैन बनाए है जिमल? स्नोमैन बनाए? स्नोमैन बनाओ। स्नोमैन बनाओ। मुझे बनाना नहीं आता। हल्के से पांव शो मारने लग गया। वीडियो बनाओ। शुक्र है कोई थोड़ा सा होगा इसमें। जिमल तो फुल टाइम मजे कर रही है। आहो वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। ये क्या कर रहे हो? अब तुम्हें मजा आ रहा है? एक पिक्चर ले ले इसका। ये सीरियल बना हुआ है फिलहाल। जिमल आओ मामा के साथ एक पिक्चर ले लो। हाँ जी चल, ओए आ जाओ। तो मेरे बच्चे शुक्र है थोड़ा सा इब्राहिम का मूड सेट हुआ तो खेलना शुरू हुआ। हम कैफे में गए, फिर हमने यहाँ जाके बहुत कुछ खाया, हमारे पैसे खत्म हो गए, फिर मैंने अपनी वाइफ से पैसे लिए, फिर मैंने खाया। ये व्लॉग में हो गया आपका। नहीं तो मुझे उनका बर्तन धोने पड़ने थे, तो शुक्र है ये साथ थी। हाँ ये वो है हाइकिंग के लिए। और नहीं चढ़ना की है बगैर तो मैं मेरा शादी में ये भी देखते हो इससे आज कोई खाई कोई आया तो नहीं और चलने के लिए भी चलने के लिए ये बहुत
तेरे साथ ही हो रहा है, तेरा स्लोमो बन गया। अच्छा यहाँ पे गिर के ना खड़े भी नहीं हो जाता, एक बारी बंदा गिर जाए उसके बाद खड़ा से नहीं हो सकता जल्दी। दिल की हार्ट बीट, ये तंदील का नाम नहीं था, बर्फ थी। मैं वीडियो बनाने के चक्करों में गिरी हूँ, मेरे ऊपर नहीं चवली मारी है, बड़ी जोर की लगी। दिल की हार्ट बीट कैसे खेलते हैं, यू डोंट नो अबाउट इट, आई नो। तो जी हम बर्फ में खूब एंजॉय कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मामा भी फेंक रही है, फेंको मामा को, वो डर रहा है असल में। आपसे बर्फ नहीं ज्यादा पकड़ी जाती है, देखो क्या हुआ, ज़ीबा नाराज हो गई, ज़ीबा सॉरी। वो सिर्फ अंकल के साथ खेलती है, माँ के साथ कोई उसका मजाक नहीं है ऐसा। हाँ जी क्या हुआ, क्या वो बचा रहा, बचा रहे, कह रहे कह रहे ये क्या बकवास है, क्या इन लोगों ने धुए भी निकल रहे। पारा बेबी, पारा मेरा जानू, मिंदा जानू, मम्मो की जान ने गुच्छा कर लिया था मम्मो पे। आई एम श्योर शोरी, मम्मा ने भी तो मुंह से पत्थर मारे। आई एम श्योर, आई एम श्योर शोरी, मम्मा जब बेटा मम्मा ने मजाक से फेंकी थी, क्या हो गया, आप मम्मा के ऊपर फेंक रहे हैं। कोई बात करने लगते हैं, स्पीकर नहीं चल रही है, बर्फ का नहीं बने इसकी जगह, उसकी शक्ल तो देख जरा। वो तो वैसे ही लग जाती है कुछ लोगों को हमें देख के। जीमल मम्मा का फोन छोड़ दो, अंकल की पिक्चर्स ले रही हो। ओके अंकल तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ी लगानी है, तू पास से गुजर जरा, हार लगाई साथ में, आग लग गई। लाइटर भी, लाइटर भी अंकल कह रहे मेरे पास, अंकल कह रहे मैं लगा दूंगा आग। अंकल लिखने वाले दूसरा, मैं कह रही नहीं अंकल वो तो कुछ लोगों को वैसे ही मैं देख के लग जानी है। जिमल ब्लॉग बना रही है, जिमल जिमल भी ब्लॉगिंग कर रही है। मारियो तो पिछले महीने घंटे तो सुन रही है, नहीं 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 लाइक मेरा बच्चा इधर ही जम के खड़ा है, चलो तीन चार उसकी तस्वीरें भी अच्छी आ गई है, इतना अच्छा निकलता। लोग मुझे बार बार कहते हैं एम के व्लॉग्स, एम के व्लॉग्स।
जीने चढ़ने का स्टाइल तक नहीं आता है वो लोग हमें बातें करते हैं। A few moments later. लेकिन बहुत बड़ी के अभी कैमरे में नजर नहीं आ रही। बड़ी बड़ी बर्फ बड़ी आ रही है। बोटी बोटी अभी इससे ज्यादा तेज हो जाएगी। ये देखिए इसमें कैमरे में थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। अब कैमरे में समीर को ले रही है, बर्फबारी को ले रही है। बर्फबारी की आवाज सुन, तो जी अब हम जा रहे हैं घर वापस और मेरे फ़ोन की भी बैटरी लो हो गई है। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था आज। हमने फर्स्ट टाइम स्नो फॉलिंग भी देखी थोड़ी सी और बर्फ भी देखी यहाँ पे। तो अब चलते हैं घर वापस और फिर इंशाल्लाह घर जाके मिलते हैं।